खबर धमतरी जिले से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन नहीं होने से विकास कार्यों को कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में धमतरी शहर सहित जिले के 5 नगर पंचायतों में वार्डों का परिसीमन होगा, जिसमें आसपास के गांवों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही गांव को जोड़ने का काम कर लिया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार के साथ प्रशासन की तैयारी भी शुरू हो गई। दरअसल धमतरी शहर में कभी 40 वार्ड है, जिसकी आबादी करीब 1.5 लाख के आसपास है। इसके बाद भी शहर में विकास कार्यों के लिए जगह की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में प्रस्तावित गोकुल नगर, हाईटेक बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे विभिन्न निर्माण कार्यों का काम अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम धमतरी के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए टीम भी गठित की गई है। वहीं परिसीमन के बाद दावा आपत्ति का निराकरण कर 18 जुलाई को रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पे 2011 के जनसंख्या के आधार पे होना है, जहाँ पे वार्ड्स में ज़्यादा या कम संख्या है, तो उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और 8 तारीख अंतिम दिनांक है, तब तक कार्रवाई करनी है। धमतरी के कुछ वार्ड्स में परिसीमन होना है, जब कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तभी बता पाए।